फोर्थाई न्यूज, नजर हर खबर पर। आपने भी वो खबर पढ़ी होगी जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप वोट देने नहीं जाते हैं तो आपके बैंक खाते से 350 रुपए काट लिए जाएंगे। नहीं पढ़ा, ठीक से चेक कर लीजिए, आपके व्हाट्सएप पर भी यह खबर जरूर आई होगी। वैसे तो हम आपको बता दें कि यह खबर फर्जी है, सोशल मीडिया में इसे जमकर शेयर किया जा रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार सोशल मीडिया पर अखबार की एक कटिंग तेजी से शेयर की जा रही है जिसका शीर्ष है, वोट देने नहीं गए तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए। इस आर्टिकल की पहली लाइन में लिखा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न डालना महंगा पड़ जाएगा। चुनाव आयोग के प्रवक्ता के हवाले से इस खबर में लिखा है कि इस बार जो वोटर वोट नहीं डालेंगे उनके बैंक अकाउंट से 350 रुपए काटे जाएंगे और जिन वोटर्स के बैंक अकाउंट में 350 रुपए नहीं होंगे उनसे यह पैसे मोबाइल रिचार्ज के वक्त काटे जाएंगे। इस साल 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच कुल 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। पहले चरण के मतदान को अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, ऐसे में सोशल मीडिया के अधिकांश प्लेटफॉर्म पर अखबार की इस कटिंग को शेयर किया जा रहा है। दरअसल ये खबर दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स की है। अखबार ने होली के मौके पर इस भ्रामक खबर को प्रकाशित किया था। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर भी यह भ्रामक खबर 21 मार्च को प्रकाशित हुई थी। वेबसाइट पर इस लेख के ऊपर लिखा हुआ है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, यह एक मजाक है। तो सवाल ये है कि क्या लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने में ज्यादा कर रहे हैं? जवाब आप भी दे सकते हैं। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फोर्थ आई न्यूज, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।